पब्लिक टीवी आपकी आवाज। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज कचहरी पहुंचकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना है कि रामपुर दोराय के पास गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर है और एक गौशाला है जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। हर वर्ष इस स्थान पर हिंदू समाज का कावन पर मेला भी लगता है जिसमें हजारों श्रद्धालु इस मंदिर से जुड़ते हैं। बीती 5 मई को कुछ शरारती तत्वों ने मंदिर में घुसकर मंदिर के महंत संगम दास और सेवादार राजेश पर जानलेवा हमला कर दिया और मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश की। उक्त घटना की सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने कुछ युवकों को पकड़कर थाने से छोड़ दिया और जिससे हिंदू समाज में रोष व्याप्त है। साथ ही मंदिर के पास लोगों ने अतिक्रमण कर अवैध कब्जा कर लिया है और अवैध रूप से खोके स्थापित कर लिए हैं जिससे तुरंत हटाए जाएं। अगर प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा। आज राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर एकत्रित होकर और इस जिले के जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। हमारी उसमें मांग है कि ताजपुर के अंदर एक घटना घटित हुई जिसमें हमारे पूज्य संत के साथ अभद्रता करी गई, उनको मारा गया, उनके 32 टाके आए हैं। वहां से कुछ असामाजिक तत्वों ने मंदिर का सामान चुरा लिया और सामान चुराने के बाद ये धमकी दी कि तुमसे इस गांव को खाली करा देंगे। आज देश के अंदर क्या माहौल आ गया है, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदू मान बिंदु सुरक्षित नहीं है। क्या हम हिंदुस्तान में नहीं रह रहे, क्या हम पाकिस्तान में चले गए हैं? इस विषय को लेकर आज ज्ञापन दिया है। उस मंदिर के बाहर अतिक्रमण कर रखा है कुछ समाज के लोगों ने और अतिक्रमण करके वहाँ शराब पी जाती है, वहाँ पकौड़ियाँ खाई जाती हैं, वहाँ जो मंदिर में भक्त जाते हैं उन भक्तों के साथ अभद्रता करी जाती है, उन्हें धमकी दी जाती है। हमारी मांग है कि यह अतिक्रमण अविलंब हटे। जिन दोषियों ने हमारे पूज्य संत के साथ मारपीट करी है उन्हें रासुका के तहत अंदर गिरफ्तार करा जाए, उन पर कार्रवाई हो। मंदिर की सुरक्षा के लिए लेपट की गाड़ी 24 घंटे मंदिर के बाहर रहनी चाहिए। अगर मंदिर सुरक्षित नहीं है तो हिंदू कैसे सुरक्षित होगा? इसी विषय को लेकर आज हमने ये ज्ञापन।